You're a superhero. सो हेलो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त सलमान, आप देख रहे हो टेक ऑफ सलमान यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों के लिए फिर से मैं कुछ एप्लीकेशन लेके आ चुका हूँ जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्टिविटी चीज़ मिलेंगी, और साथ में तो आप लोगों को मालूम है मूवीज़ देख सकते हो तो वो तो रहेगा, और साथ में आप लोगों को ऐसे ऐसे एप्लीकेशन शेयर करूँगा जहाँ पे आप लोगों को रेगुलर दुनिया में रहने के लिए, मतलब रेगुलर दिन में रहने के लिए कुछ ऐसी ऐसी एप्लीकेशन जो आप लोगों को बेहद ही हेल्प करेंगी। सो उसके साथ व्हाट्सएप का एक स्पेशल ट्रिक है जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही एक अच्छा सा एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है अपडेट करने के बाद, जहाँ पे आप लोग कोई भी मैसेज अगर करते हो, अगर चाहते हो कि वो ज़्यादा देर तक ना रहे या ज़्यादा दिनों तक ना रहे, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए दोनों तरफ से। मतलब ऐसा सीन रहता है ना, कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया और चाहती है कि ना किसी को पता ना चले, या कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को करता है तो किसी को पता ना चले तो वो मैसेज कैसे डिलीट होगा, तो वो वाला भी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप में मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे एप्लीकेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे ला चुका हूँ, साथ में सब लोगों के लिए टिक्स लाया हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो आप लोग नीचे लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाजू में बेल वाला आइकन जरूर दबा देना ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए, और कमेंट कर सकते हो अगर आपका दिल चाहे तो, वीडियो को लाइक कर दो जो भी देख रहे हो। सो वीडियो को अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला वाला जो एप्लीकेशन है उसका नाम है थ्रू एम्प्स, जिसको आप लोग ओपन करोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आप लोगों को जनरल में दिखाया गया है फ्रंट स्टाइल एनिमेशन, ये सब बहुत कुछ यहाँ पे शॉर्टकट वॉर्टकट है जिसको आप लोग देख भी सकते हो नहीं भी देख सकते हो, फ्रंट स्टाइल जो भी डिज़ाइन आप लोगों को कैसा चाहिए। लेकिन इस एप्लीकेशन का काम क्या है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग अपने फ़ोन को जब भी चार्जिंग में बैठाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशन देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग अभी स्क्रीन में देख सकते हो। सो ऐसे वाले एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे अपने स्मार्टफोन में जब आप अपने फ़ोन को चार्ज से प्लग इन करोगे, जब घुसड़े हुए तभी आप लोगों को कुछ अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे अपने चार्जिंग के लिए स्मार्टफोन में। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोगों को गेस्चर वेस्चर अगर आप लोगों को देखना है तो देख सकते हो, लेकिन मेनली जो बात है यहाँ पे मैं आप लोगों को वही बताना चाहता हूँ, मेनली आप लोग एनिमेशन देख पाओगे अपने स्मार्टफोन को जब भी चार्ज में बैठा होगे। वाला एप्लीकेशन है जिसका नाम है फ्लैश 3, ये एक फ्लैश एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोग अगर कोई आप लोगों को कोई कॉल करता है तो आप लोगों के फ़ोन के बैकग्राउंड में आप लोगों को फ्लैश देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैंने ऑन कर लिया है, ये फ्लैश ऑन है। यहाँ पे आप लोगों को कौन से चीज़ में फ्लैश आप लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए नोटिफिकेशन वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाएगा, इनकमिंग कॉल्स नोटिफिकेशन, उसके बाद डोंट ब्लिंक फ्लैश यूजिंग द फोन, जब आप लोग अपने फ़ोन को ऑन रखोगे स्क्रीन ऑन रखोगे तो फ्लैश नहीं करेगा। सो ये वाला मैंने इसलिए ऑफ करके रखा है। सो आप लोगों को दिखा दूँ ये टेस्ट के लिए, यहाँ पे आप लोग इसके यहाँ पे MS लिखा हुआ है, ये ज़्यादा बड़ा करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा देर से ब्लिंक करेगा ज़्यादा देर से, और ज़्यादा कम करोगे तो बहुत ज़्यादा ब्लिंक करेगा, ऐसा कुछ है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को टेस्ट के लिए दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए ये ऐसे कॉल करेगा तो ऐसे ब्लिंक होएगा आपका फ़ोन कोई भी कॉल आता है तो। और उसके बाद आप लोग अगर चेक करना चाहते हो तो नीचे फेक कॉल्स भी है, यहाँ पे आप लोग अपना नाम वाम देके कुछ भी करके आप लोग कर सकते हो। स्टार्ट जैसे ही दबाएगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कॉल आ गया, यहाँ पे ये ऐसे आप लोगों का स्क्रीन ब्लैंक करेगा, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोग अपने कोई भी फ़ोन अगर आपके स्मार्टफोन में इन हो रहा है तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक फ्लैश वाला दिखेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोगों को कोई कॉल आएगा तो अच्छे से फ्लैश ब्लिंकिंग मिलेगा, कोई डाउट नहीं। बस थर्ड वाला जो अब मैं आप लोगों को ट्रिक देने वाला हूँ, ये भी एक एप्लीकेशन का है जिसका नाम है गूगल कीबोर्ड। ये बहुत ही नॉर्मल है, आप लोगों को पता है बहुत सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन में है, लेकिन इसमें आप लोगों को मैं एक स्पेशल चीज़ दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे आप लोग देख सकते हो गूगल जब भी आप लोग कीबोर्ड ऑन करोगे तो यहाँ पे थीम का ऑप्शन है, थीम पे जाओगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग अपने गैलरी से अपने मनपसंद का फोटोज़ लगा सकते हो। जैसे कि मैंने ये बैटमैन वाला लगाया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये बैटमैन वाला मेरा लगा हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना दूसरा भी लगा सकता हूँ। ये कैसे सकता हूँ आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को कीप देखते रहो। बस ये आप लोगों को कैसा करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माई थीम का ऑप्शन है, माई थीम के ऑप्शन में यहाँ पे प्लस आइकन पे दबाना, अपने के बाद आप लोगों को यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो या अपनी पसंद से कोई भी फोटोज़ को आप लोग चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे मेरे फोटोज़ है, ये भी लगा सकते हो आपकी मर्जी। सो मैं ये वाला चूज़ करता हूँ, मेरे डॉटर का है, सो ये मैंने ऐसे सिलेक्ट किया। करने के बाद इसको मैं छोटा बड़ा करके अभी सेट कर सकता हूँ, ये देखिए ये आ गया, इसको नेक्स्ट दबाना, नेक्स्ट दबाने के बाद यहाँ पे आप लोगों का एडजस्ट ब्राइटनेस दिखाएगा। सो ये आप लोग
यहाँ पे सेट कर सकते हो, मैं ये वाले पे रखता हूँ। उसके बाद डन में दबाया, यहाँ पे आप लोगों को कीबोर्ड चाहिए या डायरेक्ट चाहिए ये सेट करना है, ये कीबोर्ड वाला ऑप्शन या नॉर्मल वाला ऑप्शन जो आपको अच्छा लगे। कीबोर्ड वाला अगर अच्छा लगे तो आप लोग ये वाला करना, अप्लाई दबाना और ये आप लोगों का सेट हो जाएगा। सो आप लोग जैसे ही किसी भी चीज़ में सर्च करोगे, जैसे ही किसी भी चीज़ में सर्च करोगे तो आप लोगों का वही कीबोर्ड ऑन होगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे डॉटर का आ गया। सो ऐसे आप लोग कीबोर्ड में कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो अपना या अपने किसी भी मनपसंद वॉलपेपर का। सो फोर्थ वाला जो एप्लीकेशन है उसका नाम है ऑडियो टीवी, जहाँ पे आप लोग अच्छे अच्छे मूवीज़ वेब सीरीज देख सकते हो। ये वाला वीडियो मतलब ये वाला क्लिप ऐप का क्लिप मैं ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा क्योंकि दिक्कत होती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी कुछ आप लोगों को मिल जाएंगी। देख सकते हो यहाँ पे बिग बॉस चल रहा है, उसके बाद स्टार चैनल, वन चैनल, यूएसए चैनल, लाइव चैनल, यहाँ पे आप लोग बहुत कुछ देख सकते हो। आप लोग इसको ज़रा अच्छे से विजिट कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सब कैटेगरी की गई है एमएक्स के जो भी लाइव है, उसके बाद आप लोगों को जहाँ पे नेटफ्लिक्स हो, लाइव चैनल हो, एयरटेल टीवी हो, जो भी आप लोगों को देखना है, मूवीज़ देखना है, तो नीचे आप लोग यहाँ पे क्लिक करके मूवीज़ में आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों कैटेगरी की गई है, यहाँ पे आप लोग मूवीज़ देख सकते हो हिंदी इंग्लिश अपने लैंग्वेज में। उसको आप लोग इसको जस्ट चेक कर लो, ठीक है। चेक करने के बाद आप लोग बोलो मुझे ये कैसा लगा ये वाला एप्लीकेशन, जहाँ पे आप लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड की चीज़ मिल रही है। और ये एप्लीकेशन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग मूवी वेब सीरीज़ कुछ भी देखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हो। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नीचे आप लोग देख लेना। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीज़, मूवी हो, लाइव टीवी हो, वेब सीरीज़ हो, सब कुछ आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सो फिफ्थ वाला जो ट्रिक है वो है व्हाट्सएप के ऊपर। जब आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये फिफ्थ वाला जो है आप लोगों को व्हाट्सएप का ट्रिक में जो आप लोगों को देने वाला हूँ, ये आप लोगों को कैसे मिलेगा। जब भी आप लोग अपने व्हाट्सएप को ऑन कर लोगे, ऑन करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डिसअपियरिंग मैसेज। तो ये जैसे ही आप लोग ऑन कर दोगे, कंटिन्यू दबा के ऑन कर दोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर लिखा हुआ है टर्न ऑन दिस सेटिंग विल मेक यू मैसेज डिसअपियर फ्रॉम चैट आफ्टर 7 डेज। मतलब इसको अगर आप लोग ऑन कर दोगे तो सामने वाले बंदे का भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जिसके नंबर पर आप लोग कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे ये सलमान एक ही किया है, वैसे मैं दूसरा यहाँ पे कोई भी ये वाला भी मैं अगर सेट करता हूँ तो यहाँ पे इसका भी मैं जब डिसअपीयरिंग मैसेज जैसे ऑन कर दूंगा तो वहाँ पे आप लोग उसका भी डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन हो जाएगा। और कोई भी मैसेज आपने किया या कोई भी चीज़ फॉरवर्ड की, फ़ोटो की या कुछ भी की, तो वो ऑटोमेटिकली 7 डेज़ के बाद डिलीट हो जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा हेल्पफुल ऑप्शन व्हाट्सएप ने प्रोवाइड किया है हम लोगों को। सो आप लोग ये वाला डिसअपीयरिंग मैसेज जब भी ऑन कर दोगे तो या किसी को भी मैसेज करोगे कि आप चाहते नहीं हो कि वो आपका मैसेज रहे, तो आप लोग वो डिसअपीयरिंग का राइट कॉन मतलब आइकॉन ऑन कर देना, तो एक हफ्ते के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। पहले ही बता रहा हूँ, ऑन करने के बाद जो भी मैसेज करोगे वो डिलीट होगा, उससे पहले वाला मैसेज डिलीट नहीं होगा। मैसेज हो, फोटो हो, कुछ भी हो, वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये आप लोगों को कैसे मिलेगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, ये नॉर्मली अपडेट आया है व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपने अपडेट कर लिया है व्हाट्सएप को तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा। कोई भी आप लोग यहाँ पे ऑन करो उसके अंदर ही आप लोगों को डिसअपीयरिंग मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है, सो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऑन जैसे ही करोगे उसके बाद से कोई भी मैसेज वैसेज करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लोग देख सकते हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा। मेरे चैनल को नीचे लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, जो वीडियो को अभी तक देख रहे हो एक लाइक तो बनता है बॉस। और साथ में नीचे कमेंट कर सकते हो आप लोगों को कैसा लगा, कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा लगा ये भी। और मैं मिलता हूँ फिर से और अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।